हेलो फ्रेंड्स, आपका पर की तरह फूड्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज आपको फार्म हाउस पिज़्ज़ा विदाउट ईस्ट बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा चाहिए, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे, 1/4 कप फ्रेश दही और 1/2 चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे और पिंक सॉल्ट स्वादानुसार डालेंगे और 2 चम्मच देसी घी या तेल डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे, नरम नरम आटा तैयार कर लेंगे। अब इसको 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर ढककर रख देंगे। 1 घंटे बाद हल्का सा हाथों में तेल लगाकर या घी लगाकर इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक गूंदेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। अब इसको हम एक बेलन की सहायता से फ्लैट कर लेंगे। अब इसको बेकिंग पिज़्ज़ा ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बेकिंग पिज़्ज़ा ट्रे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको उसी के साइज़ के हिसाब से उंगलियों की सहायता से अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेंगे। अब फॉर्क की सहायता से इसमें छेद कर लेंगे, जिससे कि ये रोटी की तरह फूल ना सके। अब 4 चम्मच मक्खन लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच लहसुन का पाउडर लेंगे और 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसमें नमक स्वादानुसार पर थोड़ा कम ही रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मक्खन के पेस्ट को पिज़्ज़ा बेस पे अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे इसको, इवनली फैलाएंगे, जिससे कि कहीं छूट ना जाए। और नमक थोड़ा सा कम ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, तो उसमें भी नमक होता है। अगर पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ज़रूर बताऊँगी कैसे बनती है। अब इसमें प्रोसेस्ड या मोजरेला चीज़ अप्लाई कर देंगे, अच्छी तरीके से फैला देंगे ऊपर से और इसके ऊपर अपनी पसंद की जो भी अवेलेबल है हमारे पास वो सब्जियां मिला देंगे। इसमें पनीर के टुकड़े, हरी शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न, लाल मिर्च जो सिरके में भीगी हुई होती है, ऑलिव ग्रीन या जैतून जैसे कहते हैं, और भी जो भी सब्जियां आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें। और क्योंकि इस समय आप बाहर जा नहीं सकते हैं और बच्चों का बहुत ही मन करता है पिज़्ज़ा खाने का, तो आप इस रेसिपी को घर बनाइए। बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। विदाउट ईस्ट है तो और भी अच्छा है और जल्दी बनेगी बिना ईस्ट की वजह से। आपके पास जो भी अवेलेबल है ऑप्शंस, उससे बहुत अच्छी सब पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अब इसमें सारी सब्जियां डालने के बाद फिर से चीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ऊपर से। अब चीज़ अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया, अब उसमें ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे और फिर इसमें सीजनिंग
स्प्रिंकल कर देंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग या बर्गर सीजनिंग के नाम से बाजार में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब इसको बेक करेंगे 170 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए बेक हो चुका है, इसको पूरी तरह ठंडा करके और इसको पिज़्ज़ा कटर की सहायता से कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। घर में ही आप बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं और इसको घर पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा लें। आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।